नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास में एक्सल 100 है और BS4 मॉडल है, कार्बेटर वाली स्कूटर है। और इस स्कूटर पे प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पार्क प्लग पे करंट नहीं आ रहा है। करंट एक बार आएगा, कुछ समय रुकेंगे आप, उसके बाद दोबारा से किक लगाएंगे तो फिर से आ जाएगा, पर कंटिन्यू जो करंट आना चाहिए वो करंट नहीं आ रहा है। इसका किक लगाने पर इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इस ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ आता है कि यार स्पार्क प्लग पे एक बार सिंगल बार करंट आता है, उसके बाद दोबारा नहीं आता, तो आप किस तरीके से चेक करेंगे? मैंने इसे चेक किया हुआ है और ये स्कूटर एक मैकेनिक भाई हमारे पास लेकर आया है और मैं काफ़ी टाइम में इसे लास्ट टाइम में देख रहा हूँ और इसे आपको किस तरीके से चेक करने का है वो देखेंगे। यहाँ मैकेनिक भाई ऑलरेडी पहले से इसका इग्निशन स्विच डायरेक्ट कर रखे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका हाई टेंशन कॉइल कहना चाहिए और आपका ये CDI एक साथ ही होता है। तो यहाँ पे दो वायर हैं मेन, ये ऑरेंज कलर का वायर है, ये मेन तार है, इसमें वोल्टेज आता है हमारा स्टार्टिंग का। और ये इसका ब्लैक में वाइट लाइन है, ये इसका ग्राउंड है। और दूसरा वायर का जो कपलर है वो है इसका पिकअप कॉइल का। तो इसमें दो वायर हैं यहाँ पे। तो ऐसे चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चेक करने का है। यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक कपलर आउट करना है यहाँ से इस तरीके से, और जो बाइक के साइड का वायरिंग लूम है उस पर आपको एक लैंप आप लगा सकते हैं इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको ग्राउंड भी चेक हो जाएगा और इसका फेस भी चेक हो जाएगा। तो एक वायर का टुकड़ा लेकर आप इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा टेस्टर का आप लैंप भी आप ले सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे लगाएंगे तो इसका टेस्टर लैंप ये जल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे ग्राउंड भी सही है और यहाँ पे आपका फेस भी सही है। ऐसे हमें वापस से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इसका स्पार्क प्लग पे करंट आता है वो, हो सकता है यहाँ पे दिखा पाए हम सिंगल बार एक बार करंट आता है। देखिएगा आप, नहीं आया अभी। ये हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन पे डाल दिया है और ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। देखते हैं एक बार, मैं प्लग स्पार्क प्लग निकाला हुआ हूँ तो अब दोबारा इसमें नहीं आएगा। अभी आया, अब नहीं आएगा है। फिर आया, रेगुलर लगा रहा हूँ कि नहीं आ रहा, ठीक है। अभी कुछ टाइम में रुका हूँ, देखते हैं कि करंट आता है नहीं। आया, बहुत बारीक सा आ रहा है। यहाँ पे जो पिकअप कॉइल है हमारा ये वाला, इसका कपलर मैं यहाँ से निकालूँगा। ये मैं दो दो मल्टीमीटर से चेक कर चुका हूँ इसे। तो यार यहाँ पे मैं रखा हूँ इसे बीप मोड पे और यहाँ पे हम लगाएंगे इसका पिकअप कॉइल पे, कनेक्ट करते हैं ऐसा। और रीडिंग यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीमीटर पे, तो यहाँ पे देखो मतलब 398-400 का इसका रीडिंग शो कर रहा है। देखो ये मल्टीमीटर मैं आउट करता हूँ, ये नया मल्टीमीटर हम लाए थे कि यार ये हमारा मल्टीमीटर कहीं गलत शो तो नहीं कर रहा। मेरा ये वाला मल्टीमीटर है, यहाँ पे हम कनेक्ट किए और यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये 300 के पार इसमें रीडिंग दिखा रहा है कंटिन्यूटी में है और ये 300 से पार इसका रीडिंग शो कर रहा है इस कपलर से। ऐसे हम वापस से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यहाँ जैसा था वैसा। यहाँ पे एक बार हम और भी देखेंगे कि करंट इसका कहीं आ जाता है। तो एक बार आया अभी, पर अब नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न वाली बात ये है कि इसका वाइट कलर का जो कपलर लगा हुआ है ये वाला CDI पे यूनिट पे सीधा जाता है और ये यहाँ से इसमें कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये कपलर हटा देना है, ठीक है।
ये वाला कपलर जो बाइक का लूम से जो आया हुआ है वो कपलर हटाना है। यहाँ पिकअप कॉइल हमें 400 रीडिंग दिखा रहा है, और उसके बाद भी जो मैकेनिक सर हैं उन्होंने इसका पिकअप कॉइल भी चेंज करके देख लिया, इसका हाई टेंशन कॉइल भी देख लिया, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्ट ये था कि इसको ब्लैक और वाइट कपलर में आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है। जो बाइक का ये लूम है इससे अलग करना है, इसके अंदर फॉल्ट है वो हम कल सुबह देखेंगे, अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये किया हूँ। यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन का ये प्लेस बंद करता हूँ, अब देखना आप, तो यहाँ करंट आ गया, देखो पर्याप्त करंट है, साउंड आ रहा है, पूरा देख रहा है। यहाँ पे दिखाओ कपलर पे, यहाँ पे प्लेस ऑन करो, ये ठीक है। अब इसी कपलर को जैसा इस बाइक में फिटिंग था वैसा मैं फिटिंग करता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद अब हम देखेंगे करंट। फ्लैश बंद करो, ऐसा नहीं आया ये। अब यहाँ पे इसे लगाते हैं हम वापस से, डायरेक्ट सीडीआई पे सीधा पिकअप कॉइल का, लूम से नहीं। पता नहीं ये कैसा मतलब फंडा है इसके अंदर, ये अब यहाँ लगाएंगे, आ रहा है करंट, आ रहा है। अब मैं इसका स्पार्क प्लग यहाँ लगाऊंगा, टाइट करने के बाद मैं इसे स्टार्ट करूँगा। स्पार्क प्लग मैं टाइट कर लेता हूँ पाने से, तो टाइट करने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि करंट हमारा कंटिन्यू आने लगा। पिकअप कॉइल का रेंज भी आप देखेंगे तो वो भी ज़्यादा दिखा रहा था, इसे पाने से मैं टाइट करता हूँ इस तरीके से, और ये हम लगा देते हैं, और मैं लगाता हूँ किक, देखो स्टार्ट हो गई। इस स्कूटर के अंदर जो प्रॉब्लम था वो इसका, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पिकअप कॉइल का जो फेस है ये हमारा सीधा इग्निशन स्विच पे जाता है, और हमारी जो स्कूटर है ये सिर्फ पिकअप कॉइल का करंट को शॉर्ट करने के बाद ये इसका इंजन बंद होता है। तो ये वाला वायर हमारा हैंडल के पास से ये ग्राउंड हो गया था, और ये ग्राउंड होने की वजह से इस पे करंट आता था एक बार और दोबारा नहीं आता था, कुछ टाइम रुकने के बाद फिर से करंट आता था, और उसी को लेकर इस स्कूटर के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन था। हमने यहाँ पे इसका वायर यहाँ से सीधा इसे कट कर दिया है, और इसे यहाँ पे टेपिंग लगा दी है, और यहाँ से सीधा इसे इस लाइन को क्लियर करते हुए यहाँ पे ये शॉर्ट था इसकी जगह पे, यहाँ पे यहाँ तक हमने चेक की थी तो यहाँ तक सही आ रहा था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला वायर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ब्राउन कलर का वायरिंग है ये और ये है हमारा इग्निशन स्विच पर, यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा चीज़, इसका इग्निशन स्विच भी हम नया इसमें डाल दिए हैं। ये स्कूटर का जो पिकअप कॉइल का रीडिंग है वो 350 से 380 के बीच पे आता ही है, हमने दूसरी बाइक पे चेक करके देखा तो उस पर भी वही रीडिंग आ रहा था। तो इस तरीके से अब हम इसे आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, मैं इग्निशन ऑन करूंगा, तो स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे जो कपलर जैसा था ब्लैक पे ब्लैक और वाइट पे वाइट, तो ये वाला वायर अगर कट जाता है तो आपकी गाड़ी डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वायर आपका बॉडी पे कहीं पर टच है तो स्पार्क प्लग पे करंट नहीं आएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम इस स्कूटर के अंदर था, इसलिए जब हम इसे डायरेक्ट लगा रहे थे तो इसमें ये ऑन हो जाता था डायरेक्ट पे, लेकिन इग्निशन स्विच इसका काम नहीं करता, इसका इग्निशन स्विच ये जो मेन वायर है इस पर काम नहीं करता,
इसका पिकअप कॉइल पे काम करता है। मैं यहाँ पे इसका इग्निशन स्विच ऑफ करूँगा और यहाँ पे बंद हो जाएगी, ये तो प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले किसी नए टॉपिक को लेकर।